ये चमक धमक जो है और ये इसके शोबेबाजी जो की है, ये सब इसलिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए रंग दिखाए जा रहे हैं और इन्हीं की बुनियाद पर के यहाँ मस्जिद की नहीं थी, मंदिर था और मंदिर तोड़कर बना ली गई, या और दूसरे चाहे वो कोई आदम खां का मामला हो, कुछ भी हो, ये सारी बातें जो हैं ये आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए की जा रही हैं। और हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को ये 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 गेम दिखा कर कि हम देखो तुम हिंदुओं के लिए कितना काम कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़कर हम मतलब ही मंदिर बना देंगे और ये कर देंगे और यहाँ पर ये वो अखंड भारत बना देंगे, ये सारी चीज़ें इलेक्शन की तैयारी की हैं, उसमें ये चमक लाने के लिए चाहते हैं कि भाई हमारी कुछ जान पड़ जाए इसमें इलेक्शन में। लेकिन इन चीज़ों से इलेक्शन में जान पड़ेगी नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें सब बना भी ली जाती हैं और ये खुदाई करके ये करके इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इस मेहनत की क्या ज़रूरत है। अरे अगर मुसलमान का तो यकीदा है कि मस्जिद अगर मुसलमान की भी जगह है और बनाना चाहते हैं उसमें भी ठीक नहीं है वो, तो गसब करके ज़बरदस्ती या कोई इस पर भी मस्जिद बना ली जाए तो उस पर नमाज नहीं होगी, अकीदा है हमारा, समझ गए। तो इन हालात में मुसलमान मंदिर तोड़कर किसी की इबादतगाह तोड़कर क्यों बनाएगा और क्यों इस कंज की निशानियां उसमें छोड़ेगा, अगर मस्जिद बना ही रहा है वो तो इस कंज की निशानियां वो क्यों छोड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ मैं समझता हूँ ये सब उसकी तैयारी के लिए, इलेक्शन की तैयारी के लिए, लोगों के हिंदू भाइयों के जज्बात भड़काने के लिए और उनको अपना हमदर्द बनाने के लिए, कल को हमें वोट दे दें, ये सब ये चाले इसलिए चली जा रही हैं। मैं समझता हूँ इससे पार्टी का भला होने वाला नहीं है उनकी, और ना इससे आप देखेंगे कि हमारे हिंदू भाई भी बहुत भी इनकी पार्टी में भी इख्तलाफ है, ये भी ऐसी बात नहीं है, उसमें भी हक बात कहने वाले लोग हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह सही बात भी कहने वाले होते हैं, अगर कोई बात गलत कहते हैं तो सही भी कहते हैं। तो इसलिए तो ये सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है ये इनकी सन 24 के इलेक्शन की तैयारी है, और ये हिंदू मुस्लिम झगड़े कराकर और ये हिंदू भाइयों को भड़काकर और हालात को बिगाड़ देना चाहते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह हालात बिगड़ने देंगे नहीं, और हम हर कीमत पर ईमानदारी से अपोजिशन का जितना भी संगठन है ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेगा और अपनी मर्जी से लोग वोट देंगे जब ये गवर्नमेंट बदलेगी। अब देखेंगे, आने वाला वक्त फैसला कर देगा।